जो लोग आए हैं नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में, वो मुलाकात करने के लिए पहुंच गए सोनिया गांधी से। इस वक्त की बड़ी खबर जो है मैं आपको दिखा रहा हूं, सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंची है शेख हसीना। शेख हसीना सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए यहां पर पहुंची है, और आप ये तस्वीर देखिए, बहुत अहम है ये तस्वीर, बहुत अहम है ये तस्वीर। सोनिया गांधी से मुलाकात हो रही है, और सोनिया गांधी ने इस मुलाकात के बाद में, सोनिया गांधी की इस मुलाकात के बाद में आप ये मान करके चलिए कि दोबारा भी जो अभी अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, तो दोबारा भी उनकी मुलाकात हो सकती है। और सोनिया शेख हसीना का आपको मैं एक और एंगल बता दूं आपको, शेख हसीना जो है उनका एक और दूसरा गांधी परिवार के साथ अटैचमेंट ये है कि उन्होंने बांग्लादेश को आजाद कराया था। उन्होंने उस वक्त में इंदिरा गांधी ने, इंदिरा गांधी के ऊपर प्रेशर था, बहुत सारी बातें थी, अमेरिका का प्रेशर था, अमेरिका का प्रेशर झेलते हुए जो है और पाकिस्तान से युद्ध का खतरा झेलते हुए इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आजाद कराने का काम किया। इसलिए गांधी परिवार के साथ में और उस वक्त में सोनिया गांधी तो बड़ी थी, सोनिया गांधी तो बहू बनकर के आ चुकी थी, तो सब जानते इस बात को क्योंकि देखा है सोनिया गांधी के एक अपने रिश्ते रहे हैं शेख हसीना के साथ में, जब वो पहले भी 10 साल जब यूपीए की चेयरपर्सन थी उस वक्त में भी जब मनमोहन सिंह के साथ में यहाँ पर स्टेट विजिट पर आती थी या दूसरे सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए आती थी, तो सोनिया गांधी के साथ में उनके एक रिश्ते हैं। तो अभी ये मुलाकात आप देख रहे हैं, इस मुलाकात से आप समझ लीजिए कि आए तो हैं नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर चर्चा और बातचीत जो चल रही है सोनिया गांधी से, तो बहुत कुछ अभी ऐसा है, बहुत कुछ अभी ऐसा है जो आपके सामने आएगा, जो आपको दिखेगा। और निश्चित तौर पर जिस तरीके की राजनीति, जिस तरीके की राजनीति जो है वो अभी निकल करके सामने आ रही है, वो राजनीति बीजेपी के लिए परेशान करने वाली है। मैं आपको एक बात और बता देता हूं जी, जो भी दूसरे देशों से राष्ट्र प्रमुख आते हैं वो सब शैडो ओपोजिशन से जरूर मुलाकात करते हैं कि इस वक्त में कौन है जो कल को बन सकते हैं, और इसीलिए उनकी विचारधारा को, उनके विचारों को, उनसे मेल मुलाकात को, क्योंकि दूसरे देशों को तो अपने रिश्ते मजबूत रखने हैं। दूसरे देशों को अगर कल को सोनिया गांधी आ जाती हैं, राहुल गांधी आ जाते हैं, तो उनके साथ में बातचीत करनी पड़ेगी, जो आज जो कुछ आज नरेंद्र मोदी के साथ में कर रहे हैं कल उनके साथ में करने पड़ेंगे, तो वो किसी से बिगाड़ करके नहीं चलते हैं, वो अपने दोनों से ताल्लुकात रखते हैं, दोनों से जो है वो बातचीत रखते हैं, और वही तस्वीरें जो है वो आप हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर चाहे देश की बात हो चाहे विदेश की बात हो, सबको पता है कि राहुल गांधी का एक वजूद बढ़ा है। और राहुल गांधी यहाँ पर देखिए कि टी शर्ट में नहीं है बल्कि कुर्ते पजामे में नजर आ रहे हैं, तो बहुत कुछ जो है वो तस्वीरें अपने आप में कहती हैं, तस्वीरें जो है वो अपने आप में कहानी बयां करती हैं। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी, आज वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात उन्होंने की है, तो इस मुलाकात को लेकर के भी चर्चा हो रही है। और मुझे लगता है कि और भी कुछ राष्ट्र प्रमुखों से मुलाकात हो सकती है, और जब जब आपको पता है कि बराक ओबामा भारत आते थे तो राहुल गांधी से जरूर मिलते थे, और उन्होंने अपनी जीवनी के अंदर राहुल गांधी का जिक्र किया, बहुत सारे लोग उसको दूसरे तरीके से भी लेते हैं, तो वो एक अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी या विपक्ष जो है उससे दूसरे देशों के जब प्रमुख आते हैं तो मुलाकात जरूर करते हैं। तो आप जिस तरीके से देखा जाए कि अब राष्ट्र के अंदर तो हमने देखा जो तमाम यात्राएं राहुल गांधी ने की या फिर अपने कई भाषणों के जरिए अडानी अंबानी पर निशाना साधने के साथ साथ कई मुद्दों पर बातचीत करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी की छवि में जो बदलाव आया है उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की छवि में भी राहुल के लिए एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है राहुल की छवि में, क्योंकि अभी ये तस्वीरें जो है यहाँ पर हम देख ही रहे हैं। साथ ही साथ में क्या लगता है कि अब, और साथ में एक सवाल और ये भी है कि जिस तरीके की अभी परिस्थितियां जो है वो भारत के अंदर बनी हुई हैं, तो क्या ये विदेश के लोग या फिर विदेशी मंत्री जो है वो भी हमारी स्थिति पर, वैसे तो हर कोई हर किसी के पॉलिटिकल चीजों पर देखता है कि किस देश में क्या चल रहा है, तो क्या यहाँ की स्थिति को भी विदेशी लोग या फिर विदेशी मीडिया भी भाप रही है, क्या लगता है आपको? देखिए इस वक्त में मैं आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी, एक तरफ उनके सामने बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन है, विपक्ष बहुत मजबूत है, उससे वो टक्कर ले रहे हैं, और विपक्ष के साथ साथ उनके विपक्ष के पैरेलल
राहुल गांधी बहुत मजबूत है, विपक्ष अकेला जो है जितना टक्कर नरेंद्र मोदी को देता है उतना राहुल गांधी देते हैं। याद करिए अडानी को लेकर के क्या कोई और दूसरा विपक्ष का नेता आपको तस्वीरें हाथ में लेकर के नरेंद्र मोदी का विरोध करता हुआ नजर आया? तो राहुल गांधी अपने आप में नरेंद्र मोदी के लिए विपक्ष में जितनी पूरी ताकत है उसके जितना पूरा विरोध है वो राहुल गांधी अकेले करते हैं। तो नरेंद्र मोदी के सामने चैलेंज क्या क्या है, देखिए एक तरफ मजबूत विपक्ष है उनके सामने जी, दूसरी तरफ राहुल गांधी बहुत आक्रामक हो चुके हैं, बहुत मजबूत हो चुके हैं, तीसरी तरफ उनके पार्टी के अंदर का जो जो एक बागी गुट है वो बहुत मजबूत हो गया है। अब पार्टी में अंदर जो बागी गुट है वो भी नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाना चाहता है, वो भी बहुत मजबूत है। और चौथी तरफ अगर आप देखेंगे तो चौथी जो है वो चौथी तरफ जो है वो देखेंगे तो चौथी तरफ आपको आरएसएस जो है वो पैर खींचते हुए नजर आ रहा है। आपने देखा कि कल जो है वो मोहन भागवत नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं आए, अंबानी आए, अडानी आए, शाहरुख खान आए, अक्षय कुमार आए, सब आए लेकिन मोहन भागवत नजर नहीं आए। एक और तरफ मुझे लगता है कि इस चीज का जिक्र भी अभी कहीं हुआ नहीं है कि आरएसएस प्रमुख यहां पर आए नहीं है, किसी टीवी चैनल में ऐसी कोई खबर भी हमें देखने को मिली नहीं है। तो ये खबर कैसे चलेगी, टीवी से आप क्या उम्मीद करेंगे? टीवी में तो जो मोदी जी के अगेंस्ट में खबर होगी वो चल ही नहीं पाएगी, अभी भी वो उसी लाइन पर है। क्योंकि हम तो ये देख रहे थे कि शाहरुख आ रहे हैं, अक्षय आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, हर किसी के बारे में सर बताया जा रहा था, लेकिन ये मोहन भागवत के बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई किसी ने इस बात का जिक्र भी किया होगा कि आरएसएस प्रमुख जो है वो इसके अंदर नहीं दिखे हैं। मोहन भागवत का ना जिक्र हुआ, ना मोहन भागवत का जिक्र जो है वो यहाँ पर हो सकता था, और मोहन भागवत जो है उनको लेकर के चर्चा नहीं हुई। और मोहन भागवत का दो तरीके से आप देख सकते हैं जी, एक तो ये कि हो सकता है कि आरएसएस सच में बीजेपी से नाराज हो, आरएसएस को जिस तरीके से दरकिनार किया है नरेंद्र मोदी ने, वरना आरएसएस में आप देखिए कि जो भी बड़ा नेता चाहे मुख्यमंत्री बने चाहे प्रधानमंत्री बने वो आरएसएस की चौखट पर जाकर के जरूर एक बार शीश नवाने का काम करता था, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद में आरएसएस की धीरे 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 वो जो चमक थी वो खत्म होती चली गई। तो एक वजह तो हो सकती है कि आरएसएस सच में नरेंद्र मोदी से बहुत परेशान हो, नरेंद्र मोदी से बहुत नाराज हो, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है। दूसरी एक वजह यह भी हो सकती है कि आरएसएस इस वक्त में हो सकता है कि अपने आप को पीछे रख करके ये दिखाने की कोशिश करे अगले चुनाव के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, कि इस चुनाव में बीजेपी ने चुनाव अपने आप से लड़ा था, चूंकि जेपी नड्डा ने भी ये बात बोल दी थी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बात को कह दिया था कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, इसलिए आरएसएस ने अपने आप को पीछे रख लिया। तो ये सारी चीजें हैं। तो क्या इसकी भी कुछ नाराजगी जो है वो अभी हमें देखने को मिल रही है या फिर आगे आने वाले वक्त में भी देखने को मिल सकती है, क्या कहेंगे? देखिए बीजेपी कांग्रेस में क्या अंतर है, बीजेपी और कांग्रेस में यही अंतर है कि बीजेपी के पास में एक आरएसएस का कैडर है, कांग्रेस के पास में आरएसएस जैसा कैडर नहीं है। आप चाहे उसकी आलोचना करिए विचारधारा के तौर पर करिए या उनके काम करने के तौर तरीके पर करिए, किसी तरीके से भी उनके ऊपर सवाल खड़े करिए, लेकिन जो आरएसएस बीजेपी के लिए काम करती है वैसा अगर कांग्रेस के लिए काम करने वाली, हालांकि उनके पास में सेवा दल है, महिला जो है कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस है, एनएसयूआई है, लेकिन वो जो जमीन पर काम करने का जज्बा दिखना चाहिए वो कम दिखाई देता है। हालांकि हाल के वर्षों में हमने देखा कि आईवाईसी काफी मजबूत हुई है, यूथ कांग्रेस को जो है मजबूत किया गया है, अभी एनएसयूआई का काम भी जो है अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, तो महिला कांग्रेस भी जो है वो उसमें सुधार हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से आरएसएस ने बीजेपी के लिए जो जमीन पर वोट तैयार किया या सरकारी दफ्तरों में जो लोगों को तैयार किया, तो उससे बहुत कुछ ऐसा है जो अभी भी बीजेपी के लिए काम वहां पर होता है, और वो काम जो है वो बीजेपी को कहीं ना कहीं आगे तक और बहुत आगे तक बढ़ाने में जो है वो अपनी भूमिका निभाता है। तो बहरहाल अभी देखिए नरेंद्र मोदी के सामने चुनौतियां कम नहीं है, नरेंद्र मोदी के सामने एक के बाद एक कई सारी चुनौतियां हैं, और नरेंद्र मोदी इन चुनौतियों से कैसे पार पाएंगे, इस वक्त ये सबसे बड़ा सवाल, इस वक्त ये सबसे अहम सवाल बना हुआ है, और जिसको लेकर के इस वक्त में हर किसी की चर्चा ये इस वक्त में चल रही है, हर कहीं पर ये चर्चा चल रही है, क्या नरेंद्र मोदी अपने आप को, अपने जो
जो ओरा उनका है उसको बचा पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये। टीडीपी स्पीकर पद पर अड़ गई है, ये एक बड़ी खबर। और उसके बाद में बड़ी खबर, महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिर सकती है, ये एक बड़ी खबर। और साथ में जिस तरीके से खबर निकल करके सामने आ रही है, केरल में पहली बार बीजेपी के इकलौता सांसद जीत करके आए थे सुरेश गोपी, उनको मंत्री बनाया गया था, उनको भी वो अब सामने आकर के कह रहे हैं कि मैं अपना मंत्री पद छोड़ना चाहता हूं। तो जिनको मंत्री बनाया गया वो मंत्री पद छोड़ना चाह रहे हैं, और जिनको मंत्री नहीं बनाया गया एनसीपी वो मंत्री पद के लिए खींचतान में लगे हुए हैं। तो बहुत कुछ ऐसा है जो नरेंद्र मोदी के 24 घंटे शपथ बीतने के अंदर अंदर हो रहा है, और इसका असर और इसका जलवा किस तरीके से जो है वो उनके सरकार के ऊपर आकर के गिरेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के 24 घंटे के भीतर में जिस तरीके से एक के बाद एक फूट की खबरें सामने आ रही हैं, वो एनडीए सरकार की मुसीबतों को बढ़ा सकती हैं। इस बीच में जो सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो टीडीपी के स्पीकर पद की मांग पर अड़े रहने की खबर सामने आ रही है। सर क्या कहेंगे, टीडीपी जिसके दो मंत्रियों ने कल शपथ ली है, और आज जिस तरीके से की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि टीडीपी जो है वो स्पीकर पद पर अड़ी हुई है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ऐसे में कैसे निकलेगी नई एनडीए सरकार अपनी मुसीबतों से, कैसे बेड़ा पार होगा? केवल स्पीकर पद की अगर बात होती जी तो शायद नरेंद्र मोदी दे देते, लेकिन केवल स्पीकर पद की बात यहाँ पर नहीं है। और आपके सामने कुछ ग्राफिक के जरिए हम अभी आपको दिखाने वाले हैं कि पूरा प्रेशर बनाने के बाद भी नीतीश कुमार और नायडू को बहुत कुछ मिला नहीं है, ये अपने आप में उनकी बहुत बड़ी चिंता यहाँ पर झलक रही है। और नीतीश और नायडू को जो कुछ मिला नहीं है उससे अब खींचतान के जो बादल है वो और टेढ़े होते और जो है वो गहरे होते जा रहे हैं। और सिर्फ दो दो पद नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को सिर्फ दो दो पद मिले हैं, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि नीतीश और नायडू कब तक एनडीए के अंदर रहने वाले हैं। जो एनडीए का एन है इस वक्त में जी, वो नीतीश और नायडू के पास में है। ग्राफिक दिखाइए, नीतीश और नायडू का जो एन है वो नीतीश और इस वक्त में नायडू के पास में है, और वो कब तक उनके साथ में रहेगा। और तस्वीरें आप स्मृति ईरानी की भी आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं किस तरीके से चेहरा उतरा हुआ है। तो बीजेपी के कई सारे नेताओं का चेहरा इस वक्त में उतरा हुआ है, मुसीबतें बीजेपी के अंदर से बीजेपी के बाहर से इस वक्त में सामने आ रही है। 71 नए मंत्री बनाए गए हैं, और अपने ही अपने मंत्रियों को सब कुछ बीजेपी ने ज्यादातर जो है जो बड़े पोर्टफोलियो है वो तो अपने पास बीजेपी रख ही रही है जी। उसके साथ साथ बीजेपी जो बाकी के अन्य जो पोर्टफोलियो है वो भी अपने साथ में रख रही जी। वो दिखाइए भाई ग्राफिक। इस बीच में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की जो ये नई सरकार का गठन हुआ है, कई चीजें देखने को मिल रही हैं, एक के बाद एक बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सर अभी हमने देखा था कि जो जिस तरीके से नई मंत्रियों ने शपथ ली है, ये कहा गया, ये खबर भी सामने आई कि अभी बीजेपी ने फिलहाल अपने अन्य घटक दलों को ये बोल दिया है कि अभी मंत्रालयों को लेकर आप लोग बहस ना करें, या अभी आप लोग ऐसा कुछ भी ना करें जिससे नई सरकार के गठन में दिक्कत आए, इसलिए अभी आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए, उसके बाद जब ये नई सरकार बन जाती है ठीक तरीके से काम होने लगेगा उसके बाद इन मंत्रालयों पर गहन चर्चा जो है वो की जाएगी। तो आपको क्या लगता है जो ये नई सरकार के अंदर जिस तरीके से मंत्रालयों का बंटवारा है, क्या उसके अंदर बीजेपी जो है वो ठीक तरीके से मंत्रालयों का बंटवारा कर पाएगी? और जिन एन फैक्टर्स की बात की जा रही है वो एन फैक्टर्स अगले कुछ सालों तक जो है वो एनडीए के साथ बने रहेंगे नहीं बने रहेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए, यहीं से आपको जो है वो नतीजे सामने आ जाएंगे। 71 मंत्रियों ने शपथ ली है जी, और 71 में से 37 नए मंत्री बनाए गए हैं। टीडीपी और जेडीयू के सिर्फ चार
मंत्री जो है बने हैं नीतीश और नायडू के, गौर से देख लीजिए इस चीज को, सिर्फ दो दो मंत्री उनके बनाए गए हैं। और एक तरफ तो जो है वो डिमांड कर रहे थे कि वित्त मंत्रालय मिले, एक तरफ डिमांड कर रहे थे कि गृह मंत्रालय मिले, रेल मंत्रालय मिले, लेकिन यहां मंत्री ही सिर्फ दो बनाए गए हैं, मंत्री ही दो बनाए गए हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या स्थिति है इस वक्त में। लेकिन यहाँ मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि ये दो दो मंत्रालय जो हैं, क्या इसके अंदर टीडीपी और जेडीयू की रजामंदी है? क्या वो इन दो दो मंत्रालयों को मिलने से खुश नजर आ रहे हैं? क्या लगता है आपको, जिस तरीके की तस्वीरें कल शपथ ग्रहण समारोह के दौरान देखने को मिली, मंच के नीचे की तरफ नीतीश कुमार और नायडू नजर आए, क्या इन दो मंत्रालय से बीजेपी जो है उनको शांत कर पाएगी आगे तक के लिए? दो मंत्रालय जो उनको मिले हैं जी, जाहिर सी बात है अब बीजेपी ने उनको अपने विश्वास में लेकर के, अपने साथ में लेकर के, नीतीश कुमार से पैर छुआ करके उनको लग रहा है कि अब ये कहीं नहीं जाने वाले हैं जी। पब्लिक की सार्वजनिक तौर पर पब्लिक में जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया, तो बीजेपी को शायद लग रहा है कि अब इनके पैर बंद हो गए हैं, पैर बंद हो गए हैं और अब जो है ये कहीं जाएंगे नहीं। लेकिन आपकी स्क्रीन पर ये ऐसे, आपकी स्क्रीन पर जो है एंकर डबल विंडो में करिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है जो अभी पहले वाला ही ग्राफिक दिखाइए, ये देखिए जीडीपी के, टीडीपी के जो और जेडीयू के चार चार हैं जी, इसी में आप देखिए राजनाथ सिंह, अमित शाह, गडकरी, नड्डा, निर्मला सीतारमन, जयशंकर, इनको बड़े मंत्रालय जो है वो देंगे, बड़े मंत्रालय इनको दिए जाएंगे। और यहाँ पर जो 30 कैबिनेट मंत्रियों की जो जगह हुई है उसमें टीडीपी और जदयू, लोजपा, जेडीएस और हम पार्टी को एक एक शामिल किया गया है। यानी आप देखेंगे जी, तो 12 सांसद नीतीश कुमार के हैं और नीतीश कुमार को दो पद मिले हैं और वहीं पर दो उसके बाद में एलजेपी के जो है वो 5 सांसद जीत करके आए हैं जी, और उनको एक सांसद मिल गया, एक पद मिल गया है। हम पार्टी को भी जीतन राम मांझी को मंत्रालय के अंदर लिया गया जबकि उनका एक ही सांसद जीत करके आया। तो इसी से आप समझ लीजिए कि स्थिति क्या है, जब उनके सांसदों की संख्या कम है जी, लेकिन पद जो है वो बराबर लिया जा रहा है, तो इसी से आपको जो है वो समझ में आ रहा होगा कि तस्वीर क्या बन रही है। जबकि सीधे तौर पर अगर सांसदों के हिसाब से तय होता तो उन्होंने 5-6 मंत्रालय मांगे थे, टीडीपी ने 6 मंत्रालय मांगे थे, हर 3 सांसद पर एक मंत्रालय जो है उन्होंने मांगा था जी। और इसी तरह से जो है वो नीतीश कुमार ने भी 3 मंत्रियों पर एक मंत्रालय मांगा था, तो 4 मंत्रालय उनकी तरफ से होने चाहिए थे, 6 मंत्रालय उनकी तरफ से, लेकिन दो दो मंत्रालय केवल मिल पाए हैं। लेकिन इस बीच हमने देखा था कि बड़े मंत्रालय, ये वित्त मंत्रालय हो गया, गृह विभाग हो गया, ये जो बड़े कई मंत्रालय थे, वो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार और टीडीपी जो है वो अपने हक में चाहती है, लेकिन बीजेपी इनको देने में कतई लग नहीं रहा है कि वो इन बड़े मंत्रालयों को वो अपने सहयोगी दलों को देगी। तो क्या लगता है इन बड़े मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर भी आगे चलकर हमें बहुत सी स्थितियां गड़बड़ होती हुई दिख सकती हैं? क्या लगता है कि क्योंकि जिस तरीके से अब तक खबरें जो सामने आ रही है कि टीडीपी जो है वो अपने इनसे अपनी जो भी चीजें हैं उसके अंदर सेटिस्फाई नजर नहीं आ रही है, टीडीपी की तरफ से स्पीकर पद की मांग रखी जा सकती है, और इन दो दो जो ये मंत्रालय दिए गए हैं ये अपने आप में गड़बड़ पैदा कर सकते हैं, क्योंकि ये दो, और एक बहुत बड़ी जो खबर है वो ये सामने आ रही है। तो सर आपको क्या लगता है, सवाल मेरा सीधा सीधा ये है कि जो पहले बड़े मंत्रालय जो थे वो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार और टीडीपी की तरफ से मांगे जा रहे हैं और वो तो अब बीजेपी अपने पास रखती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये लिस्ट आपको समझाना चाहता हूँ, आप एक बार जरा ये जो 71 मंत्रियों की जो लिस्ट है जी, उसको बड़ी स्क्रीन पर लीजिए, 71 मंत्रियों की जो लिस्ट है उसको बड़ी स्क्रीन पर आप लीजिए, 71 मंत्रियों की जो लिस्ट है उसको गौर से देखिए एक बार, मैं आपके लिए जो है ये लिस्ट पूरा का पूरा पढ़ना चाहूंगा जी। और इसको आप देखेंगे तो इसमें टीडीपी और जेडीयू के 4 हैं, टीडीपी और जेडीयू के 4 हैं, 22 राज्यों से 71 मंत्री बनाए गए हैं, यूपी से 10 मंत्री यहां पर बने हैं। तो ये सबसे पहले आप देखिए 22 राज्यों से 71 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें यूपी से 10 है, बिहार से 14 जी,
पिछली बार जो है वो माफ कीजिए यूपी से, अब की बार 10 बने, पिछली बार 14 बने थे क्योंकि इस बार सांसदों की जो संख्या है वो गिर गई। और बिहार से आठ सांसद बनाए गए हैं, महाराष्ट्र और गुजरात और एमपी से 6-6 मंत्री बनाए गए हैं। तो और सबसे बड़ा सवाल इसके बाद में अब ये है कि भाजपा का अध्यक्ष कौन बनेगा, क्योंकि जेपी नड्डा को भी मंत्रालय जो है दे दिया गया है। मंत्रालय देने के साथ साथ जो है आप देख रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान का नाम चल रहा था तो शिवराज सिंह चौहान को भी मंत्रालय दे दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान के बाद में मनोहर लाल खट्टर का नाम चला, उनको भी मंत्रालय दे दिया गया है। बीजेपी ने अपने लोगों को मंत्रालय दिया है, लेकिन स्पीकर का जो पद है, स्पीकर का पद है उस पर कौन बनेगा, स्पीकर के पद पर कौन रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसको और थोड़ा बड़ा करिए, स्पीकर के पद पर कौन बनेगा ये सबसे बड़ा सवाल है। और स्पीकर के पद को लेकर के अभी भी टीडीपी अड़ी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त में मैं आपको बता रहा हूं कि टीडीपी इस वक्त में स्पीकर के पद को लेकर के अड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी का इतिहास है, बीजेपी का जिस तरीके का इतिहास है, बीजेपी ने जिस तरीके से शिवसेना के साथ में जो किया, फिर एनसीपी के साथ में जो किया, उसके बाद में कहीं ना कहीं जो है वो बाकी के जो क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय दलों के अंदर जो है वो इस बात को लेकर के संशय है कि कहीं हमारी पार्टी को जो है वो ना खा जाए। तो ये इस वक्त में सबसे बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ जो 37 पुराने चेहरे हैं उनको बाहर कर दिया गया है। अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, रूपाला, नारायण राणे, इनको भी जो है वो बाहर कर दिया है। स्मृति ईरानी तो खैर हार गई थी, बाकी के जो नेता जीत करके आए उनको भी बाहर कर दिया है। तो सिर्फ टीडीपी, जेडीयू से और लोजपा और जेडीएस से एक एक जो है वो कैबिनेट मंत्री बना है, बाकी राज्य मंत्री बने हैं। तो जेडीयू को और टीडीपी को यहां पर आप इस देखें तो टीडीपी और जेडीयू दोनों को कोई खास हासिल नहीं हुआ है। एक एक कैबिनेट मंत्री और एक एक राज्य मंत्री वो इनको यहां पर मिला है। तो सीधे तौर पर जो है ये अपने आप में एक बड़ा जो है वो दोनों सहयोगी पार्टियों के लिए झटका है। और अब अगर दलवार के हिसाब से अगर हम दिखाएं, एनडीए में 10% की जो हिस्सेदारी है टीडीपी और जेडीयू की, उसको 5% का मंत्रालय जो है वो मिला है, 5% की हिस्सेदारी उनको मिली है। और ये तस्वीर आप देखिए आपके सामने है, भाजपा जिसकी 240 सांसद आए हैं, बीजेपी जिसके 240 सांसद आए हैं, यहां पर जिसकी हिस्सेदारी 82% है एनडीए के अंदर, लेकिन उसके 25 कैबिनेट मंत्री बने हैं, 3 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री बने हैं, 32 राज्य मंत्री बने हैं और 60 कुल जो है वो मंत्री बने हैं। यानी मंत्रिमंडल का हिस्सा उसका 84% का है। एनडीए के अंदर उसकी वोटों के हिसाब से, सीटों के हिसाब से जो हिस्सेदारी है वो 82% है, लेकिन मंत्रालयों के हिसाब से उसकी हिस्सेदारी वो 84% है। और इसमें भी सबसे ज्यादा कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा होता है वो सबसे ऊपर होता है, फिर उसके बाद में स्वतंत्र प्रभार मंत्री का दर्जा होता है, फिर राज्य मंत्री का दर्जा होता है। तो सारे मंत्री जो है 25 कैबिनेट मंत्री अपने पास में बीजेपी ने रखे हैं। यानी जितने भी बड़े प्रभार हम देखते हैं वो बड़े प्रभार सारे के सारे बीजेपी के पास में रहेंगे। अब देखिए टीडीपी के 16 सांसद जीत करके आए, 5% की हिस्सेदारी है, लेकिन मंत्रालय में सिर्फ 2% की हिस्सेदारी मिल रही है, सिर्फ एक कैबिनेट का मंत्री बना है, सिर्फ एक। अब उनको आप क्या बड़ा मंत्रालय देंगे, यानी जो मांग रहे थे कि वित्त मंत्रालय हमें दिया जाए, गृह मंत्रालय दिया जाए, रक्षा मंत्रालय दिया जाए, सब भूल जाइए आप बात को, मंत्रालय ही एक मिला है, कैबिनेट मंत्री ही सिर्फ जो है वो एक बनाया गया है। तो उससे क्या हासिल होगा, ना कोई इंडिपेंडेंट जो है मंत्री बनाया गया है और ना ही राज्य मंत्री जो है वो एक राज्य मंत्री इसके साथ में बनाया गया है। तो 5% की जिसकी सीटों के लिहाज से हिस्सेदारी है उसको मंत्रिमंडल में सिर्फ 2% की हिस्सेदारी मिली है। जेडीयू का आप देखेंगे तो जेडीयू का 12 सीटें यहां पर जेडीयू की जीत करके आई है। एनडीए में तीसरा सबसे बड़ा पार्टनर है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार की 4% की हिस्सेदारी है, और नीतीश कुमार को भी मंत्रालय में सिर्फ 2% की हिस्सेदारी मिली है। एक कैबिनेट मंत्री है यहां पर, एक कैबिनेट मंत्री है और एक जो है वो राज्य मंत्री है, कोई इंडिपेंडेंट मंत्री नहीं है। शिवसेना को अगर आप देखेंगे
तो शिवसेना की 7 सीटें हैं, ये शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली है जिसके 7 सांसद जीत करके आए, 7 सांसद जीत करके आए, 2% की हिस्सेदारी है, 1% सिर्फ उनको मिला है, तो ये शिवसेना को मिला है जिसमें उनको सिर्फ एक जो है वो इंडिपेंडेंट मंत्रालय उनको मिला है। लोजपा को देखेंगे आप, चिराग पासवान की पार्टी 5 सीटें जीत करके आई है और उनको एक कैबिनेट में दर्जा मिला है। तो नीतीश कुमार यहां पर देखिए, नीतीश कुमार का और चिराग पासवान का 36 का आंकड़ा है। नीतीश कुमार इस बार वहां पर जो बिहार में कमजोर हुए उसके पीछे चिराग पासवान थे, क्योंकि चिराग पासवान ने जिस तरीके से कैंडिडेट उतारे तो वहां पर कैंडिडेट उतारे उन्होंने जहां पर नीतीश कुमार मजबूत थे, नीतीश कुमार की सीटें जहां पर थी, नीतीश कुमार का जेडीयू का कैंडिडेट जहां पर लड़ रहे थे वहां पर उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे। तो यानी सीधे स्पष्ट तौर पर आप देखिए कि जहां पर उनकी 5 सीटें हैं लेकिन फिर भी उनको कैबिनेट का एक मंत्रालय मिल गया जी। और इससे दुगने से भी ज्यादा नीतीश कुमार की 12 सीटें हैं और उनको सिर्फ एक मिला, यानी नीतीश को भी एक और यहां पर चिराग पासवान को भी एक कैबिनेट मंत्रालय। तो ये सबसे बड़ा जो है वो इस वक्त में दांव फंस गया है, पेच फंस गया है कि आपने तो हमें जो है वो जलील कर दिया, एक तरह से बेइज्जत कर दिया कि जो चिराग पासवान मेरी ही जो है वहां पर नुकसान करके आया और उन्हीं ने उनको ही जो है आपने मेरे बराबर ला करके बैठा दिया। और केवल चिराग पासवान अकेले नहीं है, आगे मैं आपको दिखाता हूं, जनसेना के सिर्फ 2 सांसद जीत करके आए हैं, सिर्फ 2 सांसद जीत करके आए, 1% की भी हिस्सेदारी नहीं है जनसेना को, लेकिन मंत्रालय भी उनको कोई नहीं मिला है। रालोद के सिर्फ 2 सांसद जीत करके आए हैं और एक उनको इंडिपेंडेंट मंत्रालय उनको मिला है और 1% की हिस्सेदारी है उनकी मंत्रालय में। फिर जेडीएस के 2 मंत्रालय जो है वो सांसद जीत करके आए हैं और उनको एक कैबिनेट मंत्री मिला है। तो ये यहां पर जेडीएस से भी नीतीश कुमार आप देखेंगे कि हमारे 12 जीत करके आए हैं, या टीडीपी चंद्रबाबू नायडू कहेंगे क्योंकि वहां पर साउथ की राजनीति है। देखिए चिराग पासवान के नाम पर, जीतन राम मांझी के नाम पर नीतीश कुमार पेच फंसाएंगे कि आपने मेरे राज्य के छोटे सहयोगियों को मेरे बराबर ला करके यहां बैठा दिया। और वहां पर कर्नाटक से आते हैं कुमार स्वामी जेडीएस, वहां पर जो है वो सिर्फ 2 सीटें जीत करके आए, कैबिनेट के अंदर उनको शामिल कर दिया, तो वहां पर चंद्रबाबू नायडू जो है पेच फंसाएंगे। और बाकी के जो अन्य दल हैं, 8 दल हैं जिसमें जीतन राम मांझी का एक कैबिनेट पद है, तो ये आपके सामने संख्या है, कुल 293 सांसद एनडीए के पास में है और एनडीए के पास में अभी 30 कैबिनेट मंत्री बने हैं, 5 इंडिपेंडेंट मंत्री बने हैं, 36 राज्य मंत्री बने हैं, कुल मंत्री 71 बनाए गए हैं। तो ये इसके बाद में आप सबसे बड़ी बात कि दबाव के बावजूद सहयोगी दल टीडीपी और जेडीयू को सिर्फ 2-2 मंत्री मिले हैं और इसमें जनसेना और एनसीपी को छोड़ करके 1 सांसद वाले बाकी दलों को भी मंत्री पद दिया गया है। तो यहीं से जो है वो नीतीश और नायडू दबाव बनाएंगे कि हमारे साथ में तो दगा हो गया, हमारे साथ तो धोखा हो गया, और 2 मंत्रालयों में भी सिर्फ 1 कैबिनेट मंत्रालय है। अगर 2 मंत्रालय भी सीधे कैबिनेट के दिए जाते तो बड़ी बात होती, लेकिन यहाँ पर 2 मंत्रालयों में भी सिर्फ 1 कैबिनेट मंत्रालय है। यानी आप ये कहें कि एक तो काजू की बर्फी दी है और एक पतीसा दे दिया है, आप ऐसे समझ लीजिए, एक काजू की बर्फी है, कैबिनेट मंत्रालय जो है वो काजू की बर्फी है और एक पतीसा दिया उसके साथ में। तो ये इस वक्त की स्थिति है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है उसमें सीधे तौर पर नीतीश कुमार और टीडीपी यहां पर जो है वो घाटे का सौदा उनके लिए यहां पर दिख रहा है। लेकिन ये घाटे का सौदा क्या ये कब तक चलेगा? नीतीश और जेडीयू जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी कब तक घाटे का सौदा वो सहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रकरण हम देख रहे हैं, बिहार के अंदर ही जो छोटे छोटे सहयोगी दल थे उनको भी एक एक पद जो है वो दे दिया गया है मंत्रिमंडल के अंदर, और नीतीश कुमार की पार्टी जो ज्यादा संख्या बल के मुकाबले है उसके बावजूद उनको नहीं दिया है। नीतीश इतने शांत बैठने वालों में से है क्या? क्या लगता है आपको? देखिए अभी तो कोई कुछ कह नहीं रहा है जी, अभी तो सब जो है मनी मन महसूस करके और जिस तरीके से होता है कि दांत पीसते हुए और मनी मन में जो है वो बड़बड़ाते हुए निकलते हैं, कुछ उस तरीके से निकल रहे हैं। अभी जो है वो घर पर अभी मेहमान बाकी हैं, अभी उसी तरीके से निकल रहे हैं, लेकिन
जाकर के फोन पर लड़ाइयां होंगी और फिर उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, तो कुछ इस तरीके से जो है चीजें आगे बढ़ेंगी जी। ये आपके सामने है और जरा लिस्ट आप दो लिस्ट जो है वो दिखाइए कि जो ये 71 मंत्री बने हैं, कुल 71 मंत्री बने हैं, कौन कौन से स्टेट से मंत्री बने हैं, ये चुभने वाला है अपने आप में। और उसके बाद में खबर में हमारे पास में अभी भी बहुत अपडेट है, खबर में अभी भी हमारे पास में सुरेश गोपी को जो है वो अपना मंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हो गए, वो कह रहे हैं फिल्म में जाऊंगा, फिल्म करेंगे।